रेज योर वॉइस। घर जिंदगी में एक बार बनता है, यह कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही है। घर बनाने के लिए हम सभी अपनी जिंदगी की काफी जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने सपनों का आशियाना अगर ना मिले जैसा हम सोचते हैं तो यह वाकई चिंताजनक होगा। ठीक यही नजारा देखने को मिला शुक्रवार रात 10 बजे आजाद नगर स्थित KDA सिग्नेचर ग्रीन्स के बाहर, जहां पर वहां रहने वाले निवासियों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से फ्लैट में पानी न आना रहा। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क से आकाश कुमार ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करी और देखा कि आखिर वाकई क्या है हकीकत, और हमने पाया कि वाकई सुबह से पूरी सोसाइटी में पानी नहीं आया, जिससे वहां मौजूद बड़े अपने ऑफिस नहीं जा सके, बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर सके। यह काफी चिंता का विषय है, जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर संज्ञान लेना होगा, जिससे कि भविष्य में बड़ी अनहोनी होने से बचाई जा सके। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद रही, जिसमें नवाबगंज SHO ने सभी को समझाने की कोशिश करी। इस मौके पर राजीव त्रिवेदी, ओम बाजपेयी, संजय अग्रवाल, रितेश शुक्ला, गौरी सेंगर आदि लोग मौजूद रहे। क्या क्या मांगे अभी आप लोग सिग्नेचर ग्रीन्स में प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी पहली मांग तो अभी ये है कि हमें पानी चाहिए। हम काम पे नहीं जा पाए, हम स्कूल नहीं जा पाए, हम कॉलेज नहीं जा पाए, हमारे घर में खाना नहीं बना है, हम ना ही सही से रह पा रहे, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारा पानी छीना गया है 10 घंटे से नहीं है, और जिस तरीके से हमारे हालात है, एक टैंकर बुलाया गया है उसमें भी पानी नहीं भरा है। हमें नहीं लगता है कल सुबह तक हम लोग को पानी मिलेगा, हमें नहीं लगता है हम ऐसे ही रहेंगे और हम ऐसे ही मरेंगे। 3 साल का मेंटेनेंस दे चुके हैं, हफ्ते भर से यहाँ पानी की समस्या चल रही है, आज उसने विकराल रूप ग्रहण कर लिया और किसी भी ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा। बराबर हमारे यहाँ की महिलाएं परेशान है, सवेरे से आश्वासन दिया जा रहा पानी आ रहा। अब ये पोजीशन है कि लोगों को सड़क में बैठना पड़ रहा, हमारे यहाँ सारे एजुकेटेड लोग हैं, सड़क में बैठना इसका शब्द कोई जानता नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि इतना लोग परेशान हो गए, सर तक आ गए हैं KDA और इनकी माया एजेंसी के रवैये से, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। 6 मंजिल का, उसके बाद अब इसको 12 मंजिल का कर दिया गया, लेकिन इनिशियली स्टेज में जो लोड नहीं ले पाते तो वो पानी ओवरफ्लो के बरसात में घर में हमारा पानी छत नीचे है, पानी ऊपर रखा है, पानी प्रशासन का कैसा सहयोग नहीं, बच्चे पल जाते हैं, जिस दिन ट्रेजरी होगी कौन जिम्मेदार होगा? जब ये होता है, हो जाएगी तो फिर कर देंगे, वहाँ ये हो जाता है। दूसरी आज पानी की समस्या हुई, आज पानी सवेरे से नहीं आ रहा, हमारे घर की महिलाएं, हम लोग अच्छी सोसाइटी में हैं, आज रोड पे खड़ी हैं, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पानी सर से ऊपर हो चुका है। यहाँ सुनियोजित एक साजिश चल रही है, किसी तरीके से भाजपा को हरा दिया जाए। यहाँ पे इतनी हाल ही में आप लोगों ने फिर प्रदर्शन करा था, यहाँ पे पानी की समस्या थी, और मुख्यतः कौन कौन सी समस्या जिसके पानी की समस्या यहाँ पे है? लिफ्ट की समस्या है, जगह जगह गड्ढे हैं, तार खुले हुए हैं, सिक्योरिटी के नाम पे कोई यहाँ पे नहीं आता, अराजक तत्व आते हैं, पार्किंग की समस्या यहाँ पे टूटे हुए हैं, बेसमेंट के फर्शें टूटी हैं, अगर किसी का पैर फंस जाए तो हाथ पैर तोड़ बैठे, और यहाँ पे डेली होती कुत्ते यहाँ पे बाहर ही आते हैं। अब यहाँ पे RWA गठित हो गई, RWA ही तो चाहते हैं KDA वाले, हमसे 3 साल का जब एडवांस लिए हुए हैं, हमें काम करके पूरा दे दें, पूरा काम कम्प्लीट करके दे। हमारी मांग ये है कि जो हमको ब्रोचर में दिया था सुविधाएं, वो सारी ब्रोचर की सुविधाएं हमको दे दे, उसके बाद हमें RW। अभी करते क्या है उनके, अभी जब जो माया सिक्योरिटी है, JJL को पैसे, यहाँ का कांटेक्ट मिला जिसके बहुत रेपुटेशन अच्छी है, उसका हटाया, कमीशनबाजी। जब माया वालों से कहो, बोलते हैं हम कमीशन बहुत देते हैं KDA, यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, पानी सर से ऊपर हो चुका है। यहाँ पर है तो यहाँ पर है, और हमको बताएं। आकाश कुमार की रिपोर्ट।